छुरिया के ग्राम पंचायत गोंदा टोला जल संसाधन विभाग की लापरवाही से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने मुआवजा की मांग की है, लेकिन कोई अधिकारी किसानों की नहीं सुन रहा। दरअसल जल संसाधन ने नहर नाले का निर्माण कर रहा किया है, जहां नाले का कार्य पूरा नहीं होने से किसानों के खेत में पानी बह रहा है, जिससे किसानों की कई एकड़ फसल चौपट हो गई। समस्या ये है कि अभी जल संसाधन के द्वारा ये नहर का निर्माण हुआ है, आधा अधूरा निर्माण किए हैं, ये निकासी का साधन नहीं बनाए हैं और इन नल नाली खोद दिए हैं तो, और जिससे किसान का करीब करीब 25 से 30 एकड़ खराब हुआ है, इतना खराब हुआ है कि वो दोबारा उसमें लगा नहीं सकते। तो इसमें अभी तक विभाग के कर्मचारी कोई अधिकारी देखने आए हैं? विभाग के द्वारा अगर बात किया जाए, मैं चूँकि 2 साल से इन लोग से लगा हुआ हूँ, बात किया हूँ, तो क्या बोलते हैं, पत्थर आ गया, अटक गया है। आज इंजीनियरिंग में हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है, है ना, और 5 साल से पत्थर नहीं हट पा रहा है, तो ये जल संसाधन का नाकामी है ना। सब किसान मिलके पटेल और सरपंच के पास गए थे, इन्होंने अधिकारी को फोन लगाया और अधिकारी 5 दिन से आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं करके बस बोल के इन लोग टरका रहे हैं काम को अपना। तो ये पानी आ कहाँ से रहे? ये धर्मू टोला बांध नया नहर नाली बांध काम किए हैं, जो रोड में जाके जाम हो गया, बंद कर दिया वहाँ पर से, तो ये खेत फोड़ते हुए पूरा पानी आ रहा है। अच्छा। धर्मू टोला बांध का पानी है ये। तो लगभग कितना एकड़ खेत में नुकसान होने का आशंका है? 20 से 25 एकड़ खेत नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई विभागीय कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, बस फोन में बात हो रही है और आएंगे करके बोलते हैं।